जिले के दिग्रस शहर में इन दिनों बकाया पानी पट्टी बिलों की भारी भरकम रकम देखकर टैक्स धारकों में चिंता की लहर दौड़ गई है। इस बात के मद्देनजर एनबीसी न्यूज चैनल ने नगर पालिका मुख्याधिकारी माधुरी बड़ावी से इस संबंध में बातचीत की है। इस दौरान मुख्याधिकारी ने नल टैक्स वसूली में चक्रवृद्धि ब्याज न लगाते हुए प्रत्यक्ष ब्याज लगाने की बात कही और इस पहल से टैक्स धारकों का 30-40% टैक्स कम होगा ऐसा आश्वासन भी दिया है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबैर खान की यह खास रिपोर्ट। दिग्रस शहर में इन दिनों हर तरफ हर जगह मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी के एक्शन मोड की चर्चाएं चल रही है। माधुरी मड़ावी ने बेहद कम समय में न सिर्फ शहर में फैले अतिक्रमण के जाल का सुपड़ा साफ किया बल्कि पालिका कर्मियों की बिगड़ी कार्य प्रणाली को भी दुरुस्त कर दिया है। वैसे भी पालिका के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के टालमटोल रवैये और निष्क्रियता का खामियाजा शहर की जनता को उठाना पड़ रहा है। पालिका का टैक्स विभाग बीते कई सालों से कुंभकर्णीय नींद में था। उनकी काम चोरी से बीते कुछ सालों से टैक्स धारकों तक टैक्स की रसीदें तक नहीं पहुंची। ऐसे में माधुरी मड़ावी ने आते ही जहां एक तरफ अतिक्रमण और नलों में लगी मोटरें हटाने से लेकर नाले और नालियों की सफाई, खुली नालियों पर दवा छिड़कने और कचरा प्रबंधन का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया, वहीं शहर के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर अवैध नल कनेक्शनों को काटने और चेतावनी देने के बाद भी पानी की मोटरों का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई करते हुए बकाया टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर डाली। ऐसे में पानी पट्टी यानी नल टैक्स की बकाया राशि तत्काल जमा कराने का जनता से आह्वान किया जा रहा है। साथ ही शहर के ज्यादातर लोगों ने अनेक वर्षों से बकाया टैक्स की राशि जमा नहीं की है। पालिका टैक्स विभाग द्वारा उन्हें चक्रवाड़ यानी चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया था जिस वजह से टैक्स की मूल रकम बढ़कर उसमें भारी वृद्धि की गई थी जिसको लेकर लोगों में काफी रोष व्याप्त था। इस बात के मद्देनजर एनबीसी न्यूज चैनल ने मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी से बात की। इस दौरान माधुरी मड़ावी ने टैक्स अदा करने वाले टैक्स अदाकर्ताओं की समस्याओं को संज्ञान में लेकर कहा कि अब नगर पालिका बड़े पैमाने पर चक्रवृद्धि ब्याज न लेकर सीधे तौर पर प्रत्यक्ष टैक्स लगाकर टैक्स वसूलेगी जिससे टैक्स अदाकर्ताओं का बोझ कम होगा। सध्या आम्ही जे शहरामध्ये नळ डिस्कनेक्ट करण्याची किंवा इलीगल कनेक्शन डिस्कनेक्ट करण्याची किंवा ज्यांनी पाण्याचा कर भरलेला नाही अशी कारवाई आम्ही करतो तेव्हा लक्षात आलं की 2009-10 त्याच्या आधीपासूनही कितीतरी लोकांनी पाणीपट्टी भरलेली नाही आहे त्याच्यामुळे त्यांना आम्ही नियमानुसार चक्रवाढ व्याज लावून त्यांना बिल द्यायला लागतं आणि जर चक्रवाढ व्याज लावलं तर खूप जास्त बिल येत आहे असं आता आमच्या लक्षात आलं आहे त्याच्यामुळे चक्रवाढ व्याजाने न दंड आकारता आम्ही सरळ व्याजाने दंड आकारणार आहोत म्हणजे फक्त 24% दर वर्षाला 24% प्रमाणे तर लोकांचं खूप सारं म्हणजे बिल कमी होत आहे म्हणजे 30-40% येऊन जाईल। मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी ने अपनी कर्तव्य दक्षता और अनुशासन से शहर का अतिक्रमण हटाकर न सिर्फ शहर कायाकल्प की शुरुआत कर दी है बल्कि काम से कन्नी काटने वाले अधिकारियों और पालिका कर्मियों पर जमी आलस्य की धूल को भी साफ कर दिया है। ऐसे में शहर की जनता की टैक्स की रसीदें पहुंचाने में चूक करने वाले और टैक्स अदा करने वाली जनता को आर्थिक तौर पर एक बड़ी मुसीबत में झोंकने वाले संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग दिग्रस शहर की जनता कर रही है। एनबीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।